दोस्तों YouTube पर प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाएं, जैसे कि मनोज दे के होते हैं या फिर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का। तो गैस ऐसे थंबनेल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह से इस तरह के प्रोफेशनल थंबनेल बनेंगे, यही बताने वाला हूँ मैं आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए चलते हैं सीधा अपनी फोन की स्क्रीन पर। तो गैस सबसे पहले आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है पिक्सल लैब एप्लीकेशन, ये आपको इजीली जो है गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसके बाद इसे डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आप लोगों को सिंपली जो थ्री डॉट है यहाँ पर क्लिक करना है। ये थ्री डॉट पर आप क्लिक करोगे, इमेज साइज पर जाओगे, उसके बाद यहाँ से यूट्यूब थंबनेल को आप यूट्यूब थंबनेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ओके कर दोगे। इसे ओके करने के बाद आप लोगों को गाइस करना क्या है, अब यहाँ कलर पर जाना है। ये कलर कलर पर जाने के बाद आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो कलर को। मैं ज़्यादातर जो है गाइस यहाँ पर ब्लैक ही रखता हूँ, तो ब्लैक ही रखूँगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रॉम गैलरी पर जाके यहाँ पे जो अपनी PNG है उसको ऐड कर देना है। इसको आप थोड़ा क्रॉप भी कर सकते हो अपने हिसाब से, पर मेरे हिसाब से सही है ये। इसको बस मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा इस हिसाब, इस तरह थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया ये, और इस तरह से इसको मैं ऐड कर दूँगा। अब ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इसको लॉक कर दूंगा। ये लॉक हो गई है, अब देखिए ये यहाँ से हिलेगी नहीं, मैं कितना भी हिलाना चाहूँ इसको। और गाइस इस फोटो के अंदर जो बैकग्राउंड था उसको रिमूव कैसे करना है, ये चीज़ बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आएगी, तो वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। देखो यहाँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये फोटो पहले ऐसा दिखता था, उसके बाद ये अब ऐसा है। तो इसका बैकग्राउंड मैंने कैसे रिमूव किया ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये चीज़ मैं आप लोगों को वर्बली ही बता पाऊंगा क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा यूट्यूब की। तो आप लोगों को सिंपली जाना है सीधे सीधे बैकग्राउंड रिमूवर पर। तो आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूवर। जैसे आप ये सर्च करोगे बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, किसी पर भी आप क्लिक करोगे तो अपलोड फोटो का ऑप्शन आएगा। अपलोड फोटो पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोग अपना फोटो ऐड कर देना जिस फोटो का भी आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना हो। तो जैसे आप फोटो को ऐड करोगे 5 से 10 सेकंड का प्रोसेसिंग टाइम लेगा, 5 से 10 सेकंड के बाद आप लोगों का फोटो जो है प्रोसेस होकर बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फोटो रिमूव होने के बाद आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहीं डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है और बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे PNG को ऐड करना, तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, सिंपली यहाँ पर जाना है वापस फ्रॉम गैलरी में और यहाँ से ये PNG जो है इसको ऐड कर लेनी है। ये PNG को इस तरह से आप लोगों को छोटा कर लेना है, जितना छोटा आप लोग करना चाहो। और यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा और अपने फेस पे रखूँगा। इसे फेस पे रखने के बाद यहाँ थोड़ा सा मैं इधर ये जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा और आगे जाऊँगा। और जैसे आगे जाऊँगा तो ये लिखा है टू बैक, तो इस पर टू बैक पे क्लिक कर दूंगा। अब ये देखो आप लोग कितना बढ़िया लग रहा है ये, पर ये अभी भी थोड़ा सा छोटा है मेरे हिसाब से। मैं इसे बड़ा करूँगा और इसको बैक में मैंने लगा दिया इस तरह से। और वापस इसका मुझे कलर चेंज करना है, मैं ज़्यादातर जनरली जो है रेड कलर ही रखता हूँ बैक में, PNG का ग्रीन नहीं रखता मैं। तो इसको एनेबल कर दूंगा कलर पे जाके और इसे ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा ये देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको भी आप अपने हिसाब से सेट करने के बाद यहाँ पर जाएं थ्री डॉट के नीचे और इसको भी यहाँ से लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आपको बराबर में लॉक के जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और कॉपी पर क्लिक कर लें, तो इससे एक और डुप्लीकेट इसका बन जाएगा। और इसको यहाँ पर आप लोग इस तरह से ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फिर से इसको लॉक कर देना है, फिर से इसका एक और डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर से इसको यहाँ पे कोने में रखना है इस तरह से और इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद गाइस आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को जाना है शेप पर। शेप पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोग इस तरह से इसे बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी आप करना चाहो। 2-3 मैं इसका रेडियस 3 रखूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। टेक्स्ट पर डबल टैप करके यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ मैं लिखूंगा कि मनोज दे लिखूंगा बस खाली। और मनोज दे लिखने के बाद इसे ओके कर दूंगा। इसको मैं वाइट से लिखूंगा मनोज दे को, और इसका आप लोग फॉन्ट भी बड़ा कर सकते हो। यहाँ आप लोग ए पे जाओ और थोड़ा सा आगे करो, इस तरह से स्लाइड करोगे तो यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। पर मुझे कलर चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ फॉन्ट चेंज करना है। ये फॉन्ट का ऑप्शन आ गया, फॉन्ट पे क्लिक करूंगा। अमरनाथ बोल्ड मैं यूज करता हूँ, आप लोग चाहो तो अपना कोई सा भी कर सकते हो। आप लोग चाहो तो अपना कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हो, पर मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ। तो इस तरह से मैं मनोज दे लिखूंगा और ये यहाँ पे लगा दूंगा। अब ये जो मैंने शेप लिया है, शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं। शेप के बॉक्स पे आप टच करोगे, उसके बाद यहाँ पे बीच वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप लोगों को सिंपली आगे आ जाना है और कलर का जो ऑप्शन है उसको एनेबल कर देना है।
उसके बाद आप लोग यहाँ से ये देखो, आप कोई भी कलर लगा सकते हो, बट मैं जनरली येल्लो कलर ही लगाता हूँ ब्लैक के ऊपर, क्योंकि वो अच्छा लगता है, सूट भी करता है। येल्लो कलर लगाने के बाद मैं इस तरह से इसको कर दूंगा राइट, और इसके ऊपर यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा, टैक्स पर क्लिक करके, और टैक्स पर क्लिक करके टैक्स यहाँ पे लिखूंगा मनोज दे जैसा थंबनेल कैसे बनाएं। तो यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो अगर आप लोग लिखना चाहो तो, ये सिर्फ मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है आप लोग बना सकते हो, एक खाली एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो गाइस, मैं या फिर कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, वो सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया ही दे सकता है। खुद मनोज ने भी बैठ के बताया गया, उससे भी बड़ा कोई यूट्यूबर हो ना भाई, टैग का तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं है इस टाइप में कोई होगा। ठीक है, अगर कोई भी कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, आप लोगों को कितना भी अच्छे से बताएगा ना, तो सिर्फ यार वो आप लोगों को सिखा सकता है। अब उसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी क्या है, आपका अपना खुद का यूनिक स्टाइल क्या है, या फिर आप जनता को किस तरह से जो है अट्रैक्ट करते हो अपने थंबनेल पे, ये क्रिएटिविटी आपको अपने अंदर खुद लानी पड़ेगी, आपको खुद बनानी पड़ेगी। आपको सिर्फ मैं या फिर कोई भी यूट्यूबर सिर्फ सिखा सकता है। ठीक है, क्रिएटिविटी करना किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। तो चलिए अब चलते हैं वापस टॉपिक पर वापस। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको बड़ा करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसे रख दूंगा। अब लेकिन टैक्स जो है वो आप लोग देख रहे हो येलो पे व्हाइट दिख नहीं रहा, तो टैक्स का जो कलर है वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। टैक्स का कलर चेंज करने के लिए टैक्स पर हमें क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा सा हमें इस तरह से स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ कलर का ऑप्शन आ जाएगा, कलर पर क्लिक करो और इसको ब्लैक करके, और ये देखो ये गाइस आ चुका है फाइनली। और बाहर जैसे मैं इस तरह से इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ जाके इसे लॉक भी कर सकते हैं हम। अब ये देखिए, सॉरी गाइस ये लॉक नहीं हुआ पीछे वाला, इसको यहाँ से इधर से लॉक भी कर सकते हैं। तो ये लॉक हो गया है, ये देखो अब कुछ भी नहीं जगह से हटेगा अपनी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मनोज दे का PNG भी ऐड कर सकते हैं इसमें, तो उससे क्या होगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, बंदा देखेगा मनोज दे की फेस वैल्यू बनी हुई है तो इस पर व्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये देखो आप इस तरह से मनोज दे का PNG भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और यहाँ से इसको लॉक भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को जिस तरह से भी रखना हो आप रख सकते हो। ये मुझे आप लोगों को सिर्फ बताना था, जब वीडियो बन जाएगी तो वीडियो बनने पर जो थंबनेल लगेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत भी लगेगा, वो आप लोग देखना। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो से हेल्प मिली होगी। भाई वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई को भी सपोर्ट करना। और जितने भी PNG मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा सब PNG आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ से एक और हम लोग कर सकते हैं ऐड PNG चाहें तो, कुछ इस तरह से YouTube का, ये देखिए, क्योंकि हम YouTube से पे ही वीडियो बना रहे हैं ना, YouTube पर वीडियो बना रहे हैं, थंबनेल से रिलेटेड बना रहे हैं, तो अच्छा लगेगा। इसको हम ऐसे छोटा कर देंगे और ये देखिए यहाँ हमने इसको ऐसे लगा दिया तो कितना शानदार लग रहा है ये। या फिर आप चाहो तो इसको यहाँ भी लगा सकते हो, मनोज दे का फोटो थोड़ा बड़ा कर देना है आप लोगों को तो इस। और इसको सेव करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल सेव नहीं करना है। सेव करने के लिए आप लोगों को सिंपल यहाँ शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से जो ये डायमेंशन कस्टम आ रहा है, डायमेंशन कस्टम पर आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद अल्ट्रा पर क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को सेव टू गैलरी करना है। जैसे आप सेव टू गैलरी करोगे तो ये सेव हो चुका है। अब ये देखो आप लोगों को मैं गैलरी में दिखा देता हूँ, ये देखो कितना ज़्यादा ये प्रोफेशनल लग रहा है गाइस, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और आप अपनी क्रिएटिविटी करके इसे और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।